नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। IPL 2022 में जब से मेगा ऑक्शन हुआ है तब से हर रोज कुछ ना कुछ वजह से सुरेश रैना चर्चाओं में रहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं और फैंस उनको लेने के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। पहले CSK में लेने के लिए आवाज़ उठाई और अब जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर गुजरात टाइटंस में लेने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन BCCI एक बड़ा फैसला ले सकता है जिसके बाद सुरेश रैना के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है और सुरेश रैना IPL 2022 में आपको जो छोटी सी उम्मीद है वो उम्मीद भी सुरेश रैना के खेलने की खत्म हो सकती है। दरअसल BCCI एक ऐसा फैसला ले सकता है जिसके बाद सुरेश रैना के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। वो फैसला क्या है उसको लेकर हम आपको बताएंगे। दरअसल जो अभी तक खबर है वो ये है कि जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुरेश रैना गुजरात टाइटंस में आने चाहिए, ये फैंस लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वो किस नियम के तहत आएंगे? वो आएंगे ट्रेडिंग विंडो के तहत। मतलब जो अनसोल्ड खिलाड़ी हैं उनको टीमें खरीद लेती हैं ट्रेडिंग विंडो के तहत। तो ये एक नियम होता है, मतलब अगर किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी रोल्ड आउट कर जाता है चोट की वजह से या फिर कोई खिलाड़ी बीच IPL में अपना मतलब टीम को छोड़कर चला जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीमें दूसरे खिलाड़ी को खरीद लेती हैं ट्रेडिंग विंडो के तहत। लेकिन अब BCCI के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन हुआ था और मेगा ऑक्शन में सभी टीमों के पास बराबर चांस था, बराबर मौके थे खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। इसलिए अगर जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं इसका मतलब किसी टीम ने उनके प्रति कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई मेगा ऑक्शन के दौरान। इसलिए BCCI ये प्लान बना रही है कि इस साल जो ट्रेडिंग विंडो है उसको बंद कर दिया जाए, उसे ना खोला जाए। और अगर ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई तो सुरेश रैना के फैंस को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो फैंस ये चाह रहे हैं कि सुरेश रैना गुजरात में आए वो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रेडिंग विंडो BCCI ट्रेडिंग विंडो को ना खोलने का प्लान बना रही है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि मेगा ऑक्शन था और मेगा ऑक्शन में सभी टीमों के पास बराबर बराबर मौके थे खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए उनको उनके लिए BCCI ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की बात कर रही है। और अगर BCCI ने ट्रेडिंग विंडो को ना खोला, बंद कर दिया तो फिर जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुरेश रैना नहीं आ पाएंगे गुजरात की टीम में। वैसे अभी ये खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आने वाले वक्त में इस पर मोहर भी लग सकती है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है अभी भी कि जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुरेश रैना गुजरात की टीम में आ सकते हैं? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।